हेलो गाइस, तो आज के वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और आज हम लोग इसका सेकंड पार्ट करेंगे, तो चलिए हम लोग अपना वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ एक सिंगल टॉपिक कवर करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आज हम लोग जानेंगे बायोडाइवर्सिटी के इम्पोर्टेंस को। सो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी बायोडाइवर्सिटी में बहुत ही ज्यादा प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं, इसीलिए हमारी बायोडाइवर्सिटी के हर एक कंपोनेंट जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और गाइस, हम ह्यूमन बींग्स भी अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इसी बायोडाइवर्सिटी पे डिपेंडेंट हैं। सो गाइस, अब हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग इस बायोडाइवर्सिटी से क्या क्या लेते हैं। हम लोग फूड आइटम लेते हैं, जैसे कि सीरियल, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। साथ ही में हम लोग क्लॉथ आइटम्स लेते हैं, जैसे कि कॉटन और जूट। हम लोग लेते हैं वुड, मेडिसिन और ऑयल्स लाइक मस्टर्ड, ग्राउंडनट और सनफ्लावर। और लास्ट में हम लोग लेते हैं मीट, एग, मिल्क और लेदर जैसी चीजें। हम लोग इन्हीं बायोडाइवर्सिटी से प्राप्त करते हैं। तो गाइज, ये थी कुछ चीजें जो हम लोग बायोडाइवर्सिटी से ऑब्टेन करते हैं। अब हम लोग एक इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं कि मेगा बायोडाइवर्सिटी वैसे रीजन है जहाँ पे हमें प्लांट्स और एनिमल के बहुत ही रिच वैरायटी देखने को मिलता है। अब वर्ल्ड में टोटल 17 मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशंस है, वो है इंडिया, ब्राजील, कोलंबिया, मैक्सिको, पेरू, इक्वाडोर, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, मडागास्कर, साउथ अफ्रीका, यूएसए, कॉन्गो, फिलिपीन, वेनेजुएला एंड पापुआ न्यूगिनिया। तो गाइस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।